नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। ये हमारा YouTube चैनल है, यहाँ पे आपको बेसिक प्लस लाइव ट्रेडिंग के वीडियो मिल जाएंगे। चार दिन पहले हमने जो चार वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें टाटा मोटर्स था, ITC लिमिटेड था, ICICI बैंक था और RBL बैंक था, उसमें हमने बाय सेल होल्ड पूरे रिकमेंडेशन दिए थे और वो सारे के सारे टारगेट अचीव हो चुके हैं। और इसी हमारे यूट्यूब चैनल में हमने लाइव ट्रेडिंग के वीडियो प्लस पूरे ये देख सकते हो, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भरे वीडियो डाले हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। तो थंबनेल में जैसे आपने पढ़ा है कि निफ्टी 12,500 रीटेस्ट करेगा या नहीं करेगा, इसी टॉपिक के ऊपर अभी आप बात कर दे। तो चलिए हम चार्ट के ऊपर चलते हैं, वहां पे मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, इसका टाइम फ्रेम वन डे है, तो मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, तभी आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी, ठीक है। तो अगर आप मेरे पूरे वीडियो देखते हो, हर एक वीडियो देखते हो, तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा रेफरेंसेस पास से लेता हूँ, मतलब पिछले कुछ इवेंट हुए रहते हैं वहां से मैं रेफरेंस कलेक्ट करता हूँ, वहां से मुझे हेल्प मिलती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। और आपको भी यही सब करना है अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो, क्योंकि मार्केट हिस्ट्री रिपीट करने की चांसेस मोर देन 80% होते हैं। मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, मोर देन 80-90% हिस्ट्री रिपीट होती है। तो आज मैं एक पुख्ता सबूत भी दूंगा कि कैसे हिस्ट्री रिपीट होती है और कहाँ पे रिपीट हुई थी। तो चले चार्ट को थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आज का डेट और कैंडल देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हो आज का डेट है 28 अगस्त 2020 और आज का जो मार्केट का मूवमेंट है वो 11,600 से लेके 11,700 के बीच रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हिस्ट्री में यही लेवल कब कब टेस्ट हुए थे। तो इसके लिए मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, देख सकते हो मैं पहले इसको मार्क कर लेता हूँ, आपको भी ऐसे ही एनालिसिस करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे एक बार हुआ था और एक जोन में हुआ था, तो क्या हुआ था उस समय जाके एक बार डिटेल में चेक करते हैं और फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं आपके लिए, एक देख सकते हो यहाँ पे ये जो कैंडल है ये लगभग 2 साल आज ही की डेट बना था, 28 अगस्त 2018, मतलब सेम डेट 2 साल पहले निफ्टी यही पे ट्रेड करता था। ये तो कोई मैजिक नहीं हो सकता ना कि पिछले 2 साल पहले वही था और अभी भी वही पे जाके रुका है। कुछ चीजें होती है, मार्केट कभी अपने पुराने लेवल्स भूलता नहीं है। अगर आपने मेरे लाइव ट्रेडिंग के वीडियो देखे होंगे तो वहां पे भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा पास्ट में चले जाइए, पिछले समय वहां पे था तब उसने क्या किया था। तो ठीक है, एनालिसिस के ऊपर आ जाते हैं। ओके, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो कैंडल है नीचे देख पा रहे हो डेट 28 अगस्त 2018 और इसका मूवमेंट लगभग सेम है उसी रीजन में 11,600 से लेकर 11,700 के बीच। लेकिन क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे से आ गया यहाँ तक, लेकिन सेलर एक्टिवेट हो गए इसी रीजन में, देख सकते हो यहाँ पे पहली बार ट्राई किया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे लेके आ गया, फिर से ऊपर, फिर से नीचे और फिर से नीचे लेके आने में सेलर सक्सेसफुल रहे। क्या रीजन थे यहाँ पे नीचे लेके आने के लिए वो भी देखते हैं, क्योंकि मार्केट का ये नया हाई था 2018 के पहले मार्केट ने कभी भी ये लेवल अप्रोच नहीं किया था या उस लेवल तक पहुंचा नहीं था। उसके पहले का हाई देख लीजिए कितना था, 11,100 था, उसके बाद ये इसने अप्रोच किया 11,600 से लेके 700 तक, मतलब ये फर्स्ट टाइम हाई था और ये सेकंड टाइम हाई अपने पुराने हाई से ऊपर था। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, अपसाइड मूवमेंट ज्यादा है। तो थोड़ा सा देख सकते हो कि उसके बाद क्या हुआ, कभी भी आपको पता है कि हाई पे चला जाता है तो सेलर को एक अच्छा पॉइंट मिलता है कि सेल करने के लिए 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा लेकिन रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। तो सेलर ने वही किया, यहां से उसको सेल कर दिया और नीचे लेके आ गए, लेकिन उसके बाद फिर साइडवेज चला गया और फिर से एक मूवमेंट दे दिया। लेकिन मूवमेंट को रिस्पेक्ट कैसे करता है, लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट कैसे करता है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बता देता हूँ, विथ प्रूफ बता देता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं। ओके, पूरा ही हटा देते, रुकिए। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम था ये वाला और ये सेकेंड टाइम आ गया इस रीजन में। तो क्या हुआ था, देखिए सेलर ने पहले ट्राई किया नीचे लेके गए, उनका जो मतलब सेलिंग करने का पॉइंट ऑफ व्यू था वो 100% सफल हो चुका था, लेकिन
पूरा साइडवेज जाने के बाद फिर से बायर एक्टिवेट हो गए, ऊपर लेके गए और फिर से उसी रीजन में चले गए, फिर से सेलर आ गए, फिर से बायर सेलर, ये खेल तो चलता रहता है। लेकिन मार्केट ने जो पहले अपना ब्रेकडाउन किया था, ब्रेकअप मतलब जहां से वो ऊपर चला गया था, वो लेवल कौन से थे ये देख लीजिए यहाँ पे, वो लेवल था 11,000 के आसपास। तो सेकेंड टाइम सेलर आ गए तो उनको बायर को एक अच्छा रीजन मिल गया सपोर्ट के लिए, जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था वो बाद में सपोर्ट बन गया। ये सारी चीजें मैं हमेशा बताता रहता हूँ, आपको खाली ध्यान देना है उसकी तरफ। तो उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा लंबा खींचता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये नीचे आने की कोशिश किया, फिर से नीचे आ गया। और ये डेट अगर आपको पता होगा ट्रेडिंग करते हो तो ये जो डेट है ये है 20 सितंबर 2019, इसको निर्मला सीतारमन कैंडल भी बोला जाता है ट्रेडिंग की दुनिया में। तो यहाँ पे एक अच्छा बजट पेश हुआ था जो कि सेलर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनको लग रहा था कि कुछ अच्छा बजट नहीं पेश होगा, लेकिन बजट अच्छा पेश हुआ इसलिए मार्केट ने फिर से एक बुल रैली आ गई, ऊपर चला गया। और उसने क्या किया, लगभग कोरोना से आने के पहले 12,500 या 600 का हाई लगा दिया, और कोरोना वायरस आने के बाद मार्केट एक बार फिर से नीचे चला गया। तो ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा था, इसके पीछे रीजन क्या थे, क्योंकि मार्केट को अपने पुराने लेवल हमेशा याद रहते हैं। बता देता हूं, जैसे कि पहले मैंने आपको प्रूफ दिया, अभी करंट सिचुएशन पे आ जाते हैं कि क्या हो सकता है। ये जो मैंने लाइन बनाया था ये पुराना उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इसी को आगे खींचते हैं। थोड़ा सा रुकिए, इसको ठीक से कर देता हूं मैं। तो पुराने लेवल्स मार्केट हमेशा याद रखता है, ओके। तो ये देख सकते हो मैंने इसको आगे खींच लिया है। तो जब पहली बार मार्केट यहाँ पे आया था, जब ये कोरोना के बाद पहली बार मार्केट यहाँ पे आया गया, तो देखिए सेलर एक्टिवेट हो गए सेम उसी रीजन में। भले ही आपको लेवल याद नहीं रहते हो, लेकिन मार्केट अपने लेवल कभी नहीं भूलता दोस्तों। ये जो लेवल है ये पुराना रेजिस्टेंस था, और देखिए यहाँ पे कितने रेड कैंडल है, ये जो नंबर ऑफ बंच देख रहे हो यहाँ पे आपको रेड कैंडल ज्यादा मिल जाएंगे, काउंट करके देख सकते हो आप बाद में भी, ठीक है। तो मार्केट ने अपना पुराना लेवल याद रख लिया, लेकिन बायर नहीं चाहते थे कि मार्केट इसके नीचे चला जाए। तो क्या हुआ, एक बार नीचे चला गया, फिर से बायर आ गए, फिर से सेलर ने कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अभी ये जो बुल रैली चल रही है उसमें अगर आप ठीक से देखो जूम करके, तो जहां से इसने ब्रेकआउट दिया है, यहां से ब्रेकआउट जहां से दिया है वहां से एक दिन सेलर और एक दिन बायर आ रहे हैं। मतलब अभी तक मैच फिक्स नहीं हुआ कि कौन जीता। ये देख सकते हो यहाँ पे रेड कैंडल, यहाँ पे रेड कैंडल, यहाँ पे रेड कैंडल, और ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, मतलब तीन रेड और तीन ग्रीन कैंडल यहाँ पे लगभग बन चुके हैं। मतलब अभी तय नहीं हुआ कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन अगर आपको आपका लॉन्ग टर्म व्यू रखना है मार्केट के ऊपर, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मार्केट में कभी भी वी शेप रिकवरी नहीं होती है दोस्तों। मार्केट में जितनी भी रिकवरी होती है डब्ल्यू पैटर्न में होती है। मार्केट को अपने पुराने लेवल्स याद रखने होते हैं, उनको रिटेस्ट करना होता है, बायर को ऊपर लेके जाना है तो एक्युमुलेशन करना पड़ता है, वॉल्यूम आना चाहिए। ये जो मूवमेंट चल रही है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा विदाउट वॉल्यूम मूवमेंट चल रही है, कोई भी रीजन नहीं ऊपर जाने के लिए। अभी भी डाटा अच्छा नहीं आ रहा है, अभी भी लोगों को कोरोना के केसेस इंडिया में बढ़ते जा चुके हैं, अभी कुछ भी अच्छे से नहीं हो रहा है, लोगों को अभी तक जॉब नहीं मिल रहा है, जितने लोगों के पास जॉब था वो तो चला गया, नई वैकेंसीज भी नहीं आ रही है। तो फिर ये कौन सी बुल रैली है इसी की मार्केट को ऊपर लेके जा रही है, यही मेरा सवाल है आप सबसे। आप खुद भी एनालिसिस कीजिए, ऐसा कौन सा अभी बुल रन आ चुका है कि मार्केट लगभग 5 मंथ के अंदर 4,000 या 5,000 का मूवमेंट कर चुका है। ऐसी कौन सी गुड न्यूज आ गई है, अगर कोरोना की गुड न्यूज भी होती तो ये तो पहले ही पता थी, लेकिन हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे 10,000 11,000 100 200 के लगभग। लेकिन ये जो हो रहा है ये मैं गलत तो नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक है मार्केट को एक बार चेक भी करना चाहिए, क्योंकि हमेशा आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं होना चाहिए। अभी मैंने जो दो लेवल बना के रखे हैं, वो एक लेवल है देख सकते हो यहाँ पे 11,000 का, और एक लेवल है 12,300 या 12,500 के आसपास। तो ये जो है अभी ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये वाला 11,000 का, अभी ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस ही रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहां से मार्केट विद इन 4-5 डेज 6 डेज 7 डेज ऊपर जाने वाला है, तो अगर ऊपर गया भी तो क्या होगा, यहां से अपना ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरी विश्व रिकवरी है। एक बार आपको दिखाएगा यहाँ पे दो अच्छे दो तीन ग्रीन कैंडल, लेकिन एक बार ऐसा हो जाएगा कि पूरा
विद इन आपको एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा और मार्केट नीचे आएगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको ये जो पुराना सपोर्ट है इसको रीटेस्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे लंबा समय बिताना पड़ेगा तभी जाके ऊपर जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या था, अगर आप लॉन्ग टर्म इनिशिएट करना चाहते हो तो थोड़ा वेट कीजिए, रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, ये जो बोल रहा हूँ इस जोन का वेट कीजिए। लॉन्ग टर्म करना चाहते हो तो 11,000 के आसपास कर सकते हो, अभी पीई भी बहुत बढ़ चुका है इसका, कोई भी सीईपी मत ले लो अभी, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। यूएस के इलेक्शंस भी सर पर है, अक्टूबर नवंबर यूएस में इलेक्शन होने वाले, तो S&P और डाउ जोन्स को अगर आप फॉलो करते हो तो देख सकते हो वो भी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। मार्केट में इलेक्शंस के होने के पहले भी मार्केट में एक बुल रन आता है, कि एक फेक वाला बुल रन होता है कि उसमें दिखाया जाता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, आपके मन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये जो बड़े ट्रेडर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा लगाया होता है, हेज फंड्स रहेंगे, LIC रहेगा, मैं हमेशा LIC बोलता रहता हूँ कि इंडिया का सबसे बड़ा DIS वही है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अभी तो FIs भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में। तो ये जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ये अपना पैसा मुनाफा कब, प्रॉफिट कब बुक कर सकते, जब रिटेल ट्रेडर उसमें पैसा डालेंगे तभी तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते ना, कोई बेचेगा तो ही कोई खरीद पाएगा ना। तो अभी मार्केट में खरीदने वाला कोई नहीं है, बेचने वाले तो बैठे हुए, तो आप हमेशा केयरफुल रहेगा क्योंकि स्टॉक्स अभी भी उसी रेंज में, लेकिन इंडेक्स बहुत बड़ा तेजी से रिकवरी कर रहा है। तो वेट कीजिए एक रिट्रेसमेंट का, यहाँ पे अगर मिल जाए तो ले लीजिएगा, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो मत ले लीजिएगा, कुछ दिनों की बात है तो ले सकते हो सकता है लेवल आ भी जाए, लेकिन अगर मार्केट एक बार सेलर के हाथ में आ गया ना तो गैप डाउन करते ही नीचे आ जाएगा और आपको एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो यही था आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे डेली बेसिस पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट इक्विटी के कॉल्स प्रोवाइड करते हैं और कुछ अपडेट्स हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पे भी आप नए नए अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हो। तो यही तक है वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों।